हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं करने जा रही हूँ बैवल लक्ष्मी का व्रत, जो मैंने लाडो के लिए बोले थे। मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है, आज है शुक्रवार और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चौकी लगा के माता रानी के, वो माता की तस्वीर लगा के, लक्ष्मी बैवल लक्ष्मी माँ की तस्वीर लगा के माला पहनाया, फूल वूल सब अच्छे तरीके से लगा रही हूँ अब यहाँ पे। और ये जो इधर सामान दिखाई दे रहा है, प्लीज़ इसे अवॉइड करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता ना, बहुत कई बार नहीं रख पाते, नहीं साफ़ हो पाता, इस वजह से नहीं रखा है। जब तक नियति सोई हुई है मैंने सोचा फटाफट से पूजा कर लूँ। और एक तरफ मेरी बन रही थी खीर, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगता है। इधर मैंने जोत जला दिया, अब मैं माता रानी के तिलक लगाऊंगी, और जो पीछे मैंने लगाया हुआ है फोटो उसको भी मैं तिलक लगाऊंगी। कलश पे सतिया बनाया है मैंने, अपने भी लगा लिया है तिलक। अब मैं सोचूँ फटाफट से, जब तक लाट उठती है उससे पहले पहले मैं अपनी कहानी यानी मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर वो करने नहीं देती। और ऐसा ही हुआ कि लाडो बीच में उठ गई है, लेकिन फिर मैंने नैतिक से बोला, नैतिक तो थोड़ा सा देख ले, उसे संभाल ले धीरे धीरे, मैं फटाफट करती हूँ। और एक ना मेरी पूजा करते समय हिलने की आदत बहुत है, मैं बहुत हिलती हूँ। पता नहीं सब सोचते होंगे कि क्या करते हैं, क्या हिलती बहुत है, इस वजह से। तो अब मैं करने लगी थी फटाफट कहानी पूरी। नैतिक आया था, मम्मी लाडो खेल नहीं रही, लाडो रो रही है। मैं कि बस तू थोड़ी देर और देख ले, मेरी कहानी होने वाली है, क्योंकि कहानी पूरा करने में भी टाइम लगता है।